विधायक जी, अस्पताल आना किस लिए हुआ आपको? आपका क्या मामला है, क्या जानकारी है? हमारे लोकसभा के लोकप्रिय सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्ग साहब की थोड़ी तबीयत अलील है, उस सिलसिले में मेरा हॉस्पिटल आना हुआ और मैं उन्हीं को देखने के लिए हॉस्पिटल आया था। कैसी तबीयत है, क्या हुआ है उनको? थोड़ा सा, क्योंकि डॉक्टर साहब एक जुझारू, एक जंगजू हैं, हमेशा बहुत मजबूती से हमेशा अपने लड़ाई लड़ते रहे हैं, तो उम्र का भी तकाजा है थोड़ा सा, और उसमें ये थोड़ा सा इन्फेक्शन हुआ है। उस इन्फेक्शन को लेकर के कुछ दिन पहले मेदांता में एडमिट थे, उसके बाद अब सिद्ध हॉस्पिटल में हैं, और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि बहुत जल्द लोगों की दुआओं से, अल्लाह ताला के करम से, जो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में, हम सब की दुआओं से डॉक्टर साहब जल्दी ठीक होंगे। और मैं ये गुजारिश भी करता हूँ सभी लोगों से कि सब लोग डॉक्टर साहब के हक़ में दुआ करें कि अल्लाह ताला उन्हें जल्द से जल्द सेहत कुल्ली कामिल आजला अता फरमाए, और जल्द से जल्द वह हमारे बीच में उसी तरीके से एक जंगजू की तरह, एक मजबूत होनहार जिस तरीके से उनका एक व्यक्तित्व है और जो उनका अंदाज़ है उसकी तरह, क्योंकि उनको टिकट हुआ है समाजवादी पार्टी से इंशाल्लाह, और वो जल्द ठीक होकर के आकर के हमारे बीच में आए और हमारा प्रतिनिधित्व करें और हमारी सरपरस्ती। कब से भर्ती हैं यहाँ पर डॉक्टर साहब? लगभग 3 से 4 दिन हो गए हैं यहाँ पर भर्ती हैं, और यहाँ उनका इलाज चल रहा है। यहाँ जो यहाँ के काबिल डॉक्टर हैं उनके ज़ेरे साए में इलाज चल रहा है, डॉक्टर राबिया साहब के जो हैं उनके ज़ेरे साए में इलाज चल रहा है। उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह जल्द से जल्द डॉक्टर साहब सेहत को लेकर वापस आएँ। विधायक जी, अस्पताल आना किस लिए हुआ आपको? आपका क्या मामला है, क्या जानकारी है? हमारे लोकसभा के लोकप्रिय सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्ग साहब की थोड़ी तबीयत अलील है, उस सिलसिले में मेरा हॉस्पिटल आना हुआ और मैं उन्हीं को देखने के लिए हॉस्पिटल आया था। कैसी तबीयत है, क्या हुआ है उनको? थोड़ा सा, क्योंकि डॉक्टर साहब एक जुझारू, एक जंगजू हैं, हमेशा बहुत मजबूती से हमेशा अपने लड़ाई लड़ते रहे हैं, तो उम्र का भी तकाजा है थोड़ा सा, और उसमें ये थोड़ा सा इन्फेक्शन हुआ है। उस इन्फेक्शन को लेकर के कुछ दिन पहले मेदांता में एडमिट थे, उसके बाद अब सिद्ध हॉस्पिटल में हैं, और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि बहुत जल्द लोगों की दुआओं से, अल्लाह ताला के करम से, जो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में, हम सब की दुआओं से डॉक्टर साहब जल्दी ठीक होंगे। और मैं ये गुजारिश भी करता हूँ सभी लोगों से कि सब लोग डॉक्टर साहब के हक़ में दुआ करें कि अल्लाह ताला उन्हें जल्द से जल्द सेहत कुल्ली कामिल आजला अता फरमाए, और जल्द से जल्द वह हमारे बीच में उसी तरीके से एक जंगजू की तरह, एक मजबूत होनहार जिस तरीके से उनका एक व्यक्तित्व है और जो उनका अंदाज़ है उसकी तरह, क्योंकि उनको टिकट हुआ है समाजवादी पार्टी से इंशाल्लाह, और वो जल्द ठीक होकर के आकर के हमारे बीच में आए और हमारा प्रतिनिधित्व करें और हमारी सरपरस्ती। कब से भर्ती हैं यहाँ पर डॉक्टर साहब? लगभग 3 से 4 दिन हो गए हैं यहाँ पर भर्ती हैं, और यहाँ उनका इलाज चल रहा है। यहाँ जो यहाँ के काबिल डॉक्टर हैं उनके ज़ेरे साए में इलाज चल रहा है, डॉक्टर राबिया साहब के जो हैं उनके ज़ेरे साए में इलाज चल रहा है। उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह जल्द से जल्द डॉक्टर साहब सेहत को लेकर वापस आएंगे।